हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और अनदर न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास एक आधार कार्ड है और आपको पता नहीं कि आपके आधार कार्ड का जो वर्चुअल आईडी क्या है, आप पता करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपके आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी क्या है, और आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं आपकी स्मार्टफोन से ऑनलाइन घर बैठे ही। आपको कहीं आधार सेंटर या आधार केंद्रों में जाने का जरूरत नहीं है, आप अपना घर पर बैठकर ही पता कर सकते हैं ऑनलाइन। और इस वर्चुअल आईडी आपको बहुत काम आते हैं, जैसे लाइक आप अगर ईपीएफ में नॉमिनेशन मेंबर ऐड करना चाहते हैं, उस टाइम आपको वर्चुअल आईडी की जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जहां पर आपको वर्चुअल आईडी की जरूरत पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्मार्टफोन से वर्चुअल आईडी को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपका आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपकी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस काम को आप नहीं कर सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस की माध्यम से भेज दिया जाएगा वर्चुअल आईडी, जो कि 16 डिजिट का होता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको ब्राउजर में सर्च करना है UIDAI, इसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI सरकारी ऑफिशियल साइट है आधार का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ देर लोडिंग होगा, यहाँ पर आपको वेट करना है। आप अगर स्मार्टफोन से करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्मार्टफोन में डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। इसके लिए आपको राइट साइड में 3 डॉट में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको स्लाइड डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, तो इस बॉक्स में आपको चेकआउट कर देना है। चेकआउट करते ही आपका फोन में डेस्कटॉप मोड ऑन हो जाएगा। स्लाइड डाउन करके आपको नीचे आना है। सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार सर्विस के नीचे। यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा वर्चुअल आईडी जनरेट, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से एक इंटरफेस नजर आएगा आपको। सेलेक्ट डाउन करके आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर इंटर करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर देना है। अगर आपको कैप्चा समझ में ना आए तो इस रिफ्रेश बटन में क्लिक करके आप कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर कैप्चा चेंज हो गया है। ओके, आधार कार्ड नंबर कैप्चा इंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, और आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी नंबर पे आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो यहाँ पर मैं ओटीपी इंटर कर चुका हूँ। जनरेट VID पर सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट जनरेट पर क्लिक करेंगे। जनरेट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो वर्चुअल आईडी है वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SMS आ चुका है, और आपकी जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी मोबाइल नंबर पे आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो सेंड किया गया है। ठीक है, योर वर्चुअल आईडी इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी नंबर पे SMS आया होगा, उसी SMS में आपको वर्चुअल आईडी मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना वर्चुअल आईडी को जान सकते हैं या पता कर सकते हैं घर बैठे आपकी स्मार्टफोन की मदद से। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताया वर्चुअल आईडी, आपकी आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं या जान सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आपकी एक लाइक हमारी मेहनत की फल होता है, ताकि आगे भी आपको इसी तरह हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। फिर मिलते हैं न्यू एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। तब तक के लिए बाय बाय।